I'm sorry. I'm not foodie, but I'm moody. Hey guys, welcome to our channel Life Shorts. I'm Sukriti. I'm Anukriti. So we are back with our new video, और आज हम लोग सच में बहुत ही अच्छा वाला चैलेंज करने वाले हैं. कि आज हमारे चैलेंज में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि उन सब में से सभी के सभी बहुत ज्यादा फेमस हैं. फेमस भी है, टेस्टी भी है और अच्छा भी है. एनीवेज आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं. सो टुडे वी आर डूइंग नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन फूड चैलेंज. आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में कितने वैरायटी ऑफ फूड खाए जाते हैं. मतलब कि नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में अलग, और हर प्लेस का एक कोई ना कोई स्पेशल फूड है. हाँ, हर जगह का पूरा बहुत सारी चीजें जो कि अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं और बहुत फेमस भी बहुत फेमस भी. और उसमें से बहुत ज्यादा फेमस है साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड. ये दो डिविजन है जो कि आता है. बहुत सारे अच्छे डिफरेंट है दोनों. हाँ, एक दूसरे से काफी डिफरेंट है और दोनों ही बहुत टेस्टी है. तो आज हम लोग करने वाले हैं साउथ इंडियन वर्सेज नॉर्थ इंडियन फूड चैलेंज. मीन्स इसमें हमारे पास बहुत सारे फूड्स होंगे जो कि नॉर्थ इंडियन होंगे और कुछ होंगे जो साउथ इंडियन होंगे. और इसमें भी हमारा स्पेशल वाला है चिट. या तो फिर हम लोगों को चिट से पता करना है कि किसे क्या खाने का मौका मिलेगा. तो हम लोग को इस चैलेंज में करना क्या है वो फर्दर एक्सप्लेन अनुकृति करेगी. तो हमें इस चैलेंज में करना ये है कि इस चिट में कुछ चिट्स है जिसमें नॉर्थ इंडियन फूड लिखा है और कुछ चिट्स है जिसमें कि साउथ इंडियन फूड लिखा है. हर राउंड में हम दोनों में से कोई एक सिर्फ चिट उठाएगा और वो डिसाइड करेगा कि अगर स्वीकृति ने चिट उठाया और उसके पास नॉर्थ इंडियन आया चिट में, तो स्वीकृति नॉर्थ इंडियन फूड खाएगी और मैं साउथ इंडियन खाऊंगी. मतलब एक ही राउंड में दोनों चिट नहीं उठाएंगे क्योंकि फिर मिस हो जाएगा. और एक एक करके हम लोग दो सामान लेके आएंगे. लाइक एक एक करके हम लोग राउंड होगा और उसमें एक साथ दो चीजें आएंगी, एक नॉर्थ इंडियन होंगी एक साउथ इंडियन होंगी. और देखते हैं कि किसे क्या खाने का मौका मिलेगा. तो चलिए हम लोग अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं. वी होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है. अगर नहीं भी पता चला होगा तो फिर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है. बट आई एम श्योर कि ये चैलेंज बहुत यमी होने वाला है. हाँ, ये बहुत यमी होने वाला है और काफी फुलफिलिंग भी होने वाला है वैसे. तो चलिए हम लोग अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं. उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास इस राउंड में होंगे एक साउथ इंडियन और एक नॉर्थ इंडियन फूड. तो देखते हैं हमारे पास साउथ इंडियन फूड में क्या है. तो साउथ इंडियन फूड में हमारे पास है मेदू वड़ा एंड सांभर. तो नॉर्थ इंडियन फूड में क्या है, ये है समोसा. वैसे देखा जाए तो मुझे दोनों काफी पसंद है, बट आई वॉन्ट दैट बिकॉज आई लाइक समोसा मोर देन. आई ऑल्सो लाइक समोसा, लेकिन मेदू वड़ा भी मुझे पसंद है. मुझे भी पसंद है बट कंपैरेटिवली नहीं, मुझे समोसा ज्यादा पसंद है. एनीवेज देखते हैं, ये हमारे पास चॉइस तो है नहीं. ओके, चिट कौन उठाएगा पहले? कोई उठा लेगा. रॉक पेपर सीजर करें? कर ले. ओके, रॉक पेपर सीजर. ओह, एक ही बार में हो गया. ओके, तो मतलब कि मैं उठाऊंगी चिट. ऐसे चिट उठाने से अनुकृति को ऐसा डिसाइड तो नहीं कर सकती है ना कि उसके पास साउथ है या नॉर्थ है. नॉर्थ इंडियन फूड मतलब कि समोसा आया है मेरे पास और मेदू वड़ा आया है मेरे पास. वैसे कोई बात नहीं, आई लाइक दिस आल्सो, बट ये हम डाल सकते हैं वापस चले. जस्ट डैट मुझे बहुत ज्यादा बेटर पसंद है. लेकिन आई आल्सो लव, आई लव समोसा. नहीं पता, रियली आई लव समोसा. तो ये रहा मेरा समोसा का फर्स्ट बाइट. ये रहा मेरा मेदू वड़ा का. काफी बड़ा है वैसे. नाइस है, यमी. दिस आल्सो, बट आई एम श्योर कि वो ज्यादा यमी होगा. मिर्ची होगी ना मिर्ची तो. वैसे पता है समोसा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्नैक्स और क्या बोल सकते हैं. और मेदू वड़ा मेरा फेवरेट नहीं है, बट मुझे पसंद है. साउथ इंडियन क्या मुझे पसंद है, इसमें मेरी मम्मा का बहुत पसंद है. तो अब है राउंड टू. और राउंड टू देखा जाए तो हमारा फेवरेट है दोनों. कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास क्या है और ये दोनों ही बहुत ही काफी टेस्टी है. तो राउंड टू में साउथ इंडियन में हमारे पास है दिस मसाला डोसा और नॉर्थ इंडियन में हमारे पास है छोले कुलचे. हाँ, छोले भटूरे है वो. कम ऑन.
ये हमारे पास छोले भटूरे है, अनुकृति भावनाओं में बह गई। सॉरी सॉरी, छोले भटूरे ज्यादा पसंद है मुझे, गलती से मैंने छोले कुलचे बोले। और वैसे मुझे अभी भी साउथ नहीं नॉर्थ लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, हवा निकल गई बेचारे की, हवा निकल गई है, तो जो भी हो लेकिन टेस्टी तो अभी भी दोनों होने वाला है। एंड ये यहाँ पे साउथ मेरे पास है और नॉर्थ नॉर्थ अनुकृति के पास है, डजंट मीन दैट हम लोग वैसे खाने वाले हैं। वाओ एक समोसों में हिचकी आने लगी है अनुकृति को। एनीवेज अभी मैं पिक करूँगी, ओके, बिकॉज ऐसे ही ओके, कम ऑन यार, शफल शफल शफल, साउथ इंडियन, ओके नो प्रॉब्लम, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोसा तो सबका, मुझे भी डोसा बहुत ज्यादा, मुझे भी डोसा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे छोले भटूरे भी पसंद है, मुझे भी छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। ठीक है तो चलिए मैं अपना मसाला डोसा खाती हूँ और अनुकृति को एंजॉय करने देती हूँ उसका छोले भटूरे, और ये भी ठंडा हो गया है। ओके सो ये ठंडा हो गया है, तो फिर इट इज बेटर कि मैं हाथों का इस्तेमाल करूं। दिस इज रियली वेरी यम्मी यार, दिस इज आल्सो वेरी यम्मी। हाँ वो बात सही है, डोसा तो पसंद है मुझे, डोसा मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है वैसे, स्पेशली जब वो मेरी मम्मी ने बनाया हुआ, मम्मी ने बनाया हो प्लस वो अगर सुपर हॉट हो तो ठंडा हो गया बेचारा। हम लोग शूट कब से शूट कर रहे हैं ना हम लोग इसके, तो गाइस अब है राउंड थ्री, और राउंड थ्री में हमारे आप पास को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं बता देती हूँ, राउंड थ्री में हमारे पास है दिस इडली एंड सांभर, और ये है चाट, स्पेशल चाट जो कि दोनों बहुत अच्छा है, बट मुझे इसमें भी नॉर्थ इंडियन चाहिए। नहीं मुझे इसमें नहीं, कोई भी चलेगा, आई लव बोथ ऑफ, इसलिए बिकॉज नॉर्थ इंडियन इज मोर चटाकेदार ना। हाँ ये बात सही है, हम लोग को इतना खाना था इसलिए आज हमने लंच भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काफी हो जाने वाला है आज, तो चलिए हम लोग अपने चिट उठाते हैं अनुकृति को और देखते हैं कि किसे क्या खाना मिलता है। वैसे बता मुझे कुछ भी चलेगा इस बार, ओके मुझे चाहिए चाट, स्वीकृति भले अभी चटाकेदार चला कर ले, स्वीकृति का ये वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में है साउथ इंडियन फूड, यू फॉरगॉट आई थिंक। नो आई, मुझे वैसे चाट काफी पसंद है, मुझे भी चाट पसंद है, बट देखा जाए सच्ची मुच्ची बताऊ ना तो फिर जनरली मैं इडली ज्यादा प्रेफर करती हूँ चाट से। नाइस यार, है? सच्ची बताओ तो मैं इडली ज्यादा प्रेफर करती हूँ चाट से, बिकॉज आई रियली लाइक इडली, और चाट में इट्स ओके, आई कैन ईट चाट वाला टाइप नहीं, बट आई लाइक चाट, बट पता नहीं क्यों अभी मेरे को ऐसे समझ कर रहा है मुझे बहुत अभी मूड है मेरा, यू नो फूड इन फूड इन फूड आई एम वेरी मूडी, आई एम नॉट फूडी बट आई एम मूडी। ये बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा सॉल्टी लग रहा है मुझे, पता नहीं शायद ऊपर से जो डाला ना सेव वाली से का, दिस इज वेरी टेस्टी, मुझे इडली काफी पसंद है, लेकिन पोमोग्रेनेट है ना इस पे मीठा, इससे थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। पता है क्या मैं बोल रही थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे खा रहे हैं, हमने लंच नहीं किया, हमें बहुत भूख लग रहा है, वी वर लाइक कि हमें शूट करना है तो शूट के दौरान और दरमियान ही हम काफी खा लेंगे। ओह ओहो, दरमियान दौरान और कुछ चटाकेदार, चटाकेदार तो नहीं, सेम टू सेम, मतलब कि सेम वर्ड नहीं है ये, दौरान दरमियान और दौरान दरमियान और उस टाइम पे क्या बोलेंगे, और दौरान दरमियान दोनों का मतलब एक ही होता है ना, इससे तो पूछ रही हूँ, थर्ड और कुछ नहीं होता यार, पर इसी इस वक्त नहीं यार, कंटिन्यू नहीं हो रहा मैच, आप लोगों को कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताना क्या मतलब होता है पर्यायवाची शब्द इसका दौरान और दरमियान का।
तो हमारा कैमरा बीच में ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और हमें नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बातें सुनी और कितनी नहीं सुनी, बट हम लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं अपना खाना। हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैं अपना प्यार व्यक्त कर रही थी साउथ इंडियन फूड के लिए। तो हमारा लंच प्रॉपर हो गया, बस एक चीज़ की कमी है। बताओ किस चीज़ की? किसकी? से डेजर्ट। तो अब नेक्स्ट राउंड में हमारे पास क्या है? स्वीट। बताते हैं हम लोग ये। तो अब है फोर्थ राउंड, और जैसा कि हमने आपको बोला कि फोर्थ राउंड में हमारे पास होगा डेजर्ट। तो डेजर्ट में हमारे पास है ये मैसूर पाक एंड जलेबी। अब सभी को आई एम गेसिंग कि जलेबी के बारे में तो पता ही होगा, आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की जरूरत नहीं। बट स्टिल इट इज अ नॉर्थ इंडियन फूड एंड दिस इज साउथ इंडियन फूड। इट इज वेरी फेमस इन मैसूर। ये मैसूर पाक इसके नाम है। हाँ, इसलिए नाम है इसका। और ये काफी पॉपुलर साउथ इंडियन डिश है। और हमने एक और स्वीट सोचा था, पता है क्या? कोकोनट बर्फी, विच इज नोन एज टोपरा या पाक। वो तो गुजरात में बोलते हैं। वही मैं वही बोलती, इट इज नोन एज टोपरा पाक इन गुजरात। हाँ, एंड आई रियली लव दैट। बट मैंने सोचा कि ये न्यू टाइप हमारे पास है साउथ इंडियन में दिस मैसूर पाक और नॉर्थ इंडियन में जलेबी। अब देखते हैं किसके पास क्या आएगा। ओके ओके, कौन रहेगा? मेरा। स्वीकृति को चांस देते हैं। ब्लाइंड फोल्ड हो गया। ब्लाइंड फोल्ड नहीं हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाई दे जाती हूँ, दिखाई फोल्डेड चिप्स को उठाती हूँ। ब्लाइंड फोल्ड हो गया। नॉर्थ इंडियन जलेबी। बस एक ही में साउथ इंडियन खाने का मन था मेरा। हाँ, ये किस्मत। ओके, जैसे कि मैंने बोला लास्ट वाले राउंड में, आई वॉज नॉट रिग्रेटिंग कि मेरे पास साउथ इंडियन आया, और मैं इतना स्वीट नहीं खाऊंगी, मुझे डायबिटीज हो जाएगा। ओके, चलो खाते हैं। वन जलेबी। आई विल हैव। हमारा लंच लिटरली बताया तो हमने आज पूरा लंच आपके सामने किया। हाँ। और ये डेजर्ट भी। ब्रेक इट यार, ये पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं ये। हाँ। मतलब हनीकॉम टाइप बताया आपको। व्हाट आर यू डूइंग? आई वांट टू से समथिंग। दिस इज रियली वेरी यम्मी। बहुत ज्यादा क्या, अगर आपको घी पसंद है ना तो ये पसंद आएगा। ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है बिल्कुल। घी मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्ट है, मतलब घी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आई लाइक घी। और पता है क्या, आप सबको पता है कि जलेबी क्या होता है? इसको स्वीट का राजा बोलते हैं इंडिया में, है ना? बोलते हैं इंडियन फूड। हाँ मतलब बोलते हैं, नहीं बोलते नहीं बोलते स्वीट्स का राजा। ओके okay. और पता है क्या, लाइक हमने बहुत जगह का स्टेट का जलेबी खाया, बट अगर आप गुजरात में रहते हैं या फिर आपको भी गुजरात आए हैं और आपने यहाँ का जलेबी टेस्ट है, यहाँ का जलेबी फाफड़ा यू नो बहुत फेमस है। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा आपने देखा था, आपको पता होगा कि यहाँ के लोग, गुजराती लोग जलेबी एंड फाफड़ा बहुत खाते हैं। बट पता है कि यहाँ का जलेबी थोड़ा सा खट्टा होता है, है ना? आई लाइक फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेड होता है का? हाँ, यहाँ का स्टाइल है वो। हाँ, एंड आई रियली लाइक दिस। खट्टा होता है मतलब इन सेंस की, नॉट खट्टा मीन ऐसा नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा सा फर्मेंटेड होता है वो। फर्मेंटेड ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स से। बहुत सारी जगह खाई है, बट ऐसे जज नहीं करना चाहिए हमें। हो सकता है दूसरे जगह भी मिलता हो ऐसा। हाँ। दूसरे जगह नहीं, गुजरात में ही बहुत जगह अलग अलग मिलता हो। हाँ, हाँ, ये हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ जगह ऐसा। हाँ हाँ, ये बात सही है। और यहाँ का जलेबी सुपर क्रिस्पी होता है। वैसे बताऊँ ये मुझे बहुत यम्मी लग रहा है, लेकिन ये बहुत हैवी है। मतलब कि दिस इज रियली वेरी यमी। मतलब कि मैं खा सकती हूँ इसे, लेकिन दिस इज मतलब कि क्या, बहुत हैवी है ये। मतलब कि याद रहेगा आपको बहुत टाइम तक कि आपने खाया है ये, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि बहुत देर तक रहेगा आपके साथ। और आपको मेरा जलेबी बहुत स्वीट होता है, जो कि आप ना चाहो तो भी रहेगा। इतना सारा कैलोरी बढ़ाएगा। हाँ, ये भी आपको ये ज़्यादा कैलोरी बढ़ाएगा। ओके, दिस इज हैविंग शुगर कैलोरी एंड दिस इज हैविंग घी कैलोरी। हाँ, ये मतलब स्वीट थोड़ा कम है उससे। स्टिल इट इज गुड फैट। नो यार, नहीं घी गुड फैट। एनीवेज,
थोड़ा सा ज्यादा वर्जिश कर लेंगे हम लोग। तो गाइस हमारा चैलेंज फिनिश हो गया और हमने काफी कुछ खा लिया है, काफी खा लिया, हमारा पेट बहुत भर गया, हमने बहुत एंजॉय भी किया एक्चुअली, क्योंकि जितना भी था सब कुछ काफी टेस्टी था, सब कुछ बढ़िया था। वैसे फेवरेट कौन सा था? मेरा फेवरेट था जो खाया उसमें से, कुछ भी मत बोला। मेरा फेवरेट था इडली, मेरा फेवरेट था छोले कुलचे, मेरा छोले भटूरे, सॉरी छोले भटूरे, छोले भटूरे, भटूरे का इतना भी मत हो कर, ऐसा नहीं, आई लव इट, ऐसा नहीं है कि हमें छोले कुलचे ज्यादा पसंद है, नहीं मुझे छोले भटूरे ज्यादा पसंद है, मुझे भी भटूरे ज्यादा पसंद है, बट यहाँ पे मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे अहमदाबाद में छोले कुलचे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर पॉपुलर है, लाइक लाइक आप अगर घूमने जाओगे तो यू विल सी यार छोले कुलचे, इसीलिए है ना, शायद इसीलिए वी डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा हम दोनों। Anyways, जो भी हो हमारी चैलेंज फिनिश हो गया, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया, हमारा बहुत ही अच्छा मील रहा, we hope कि आपने भी उतना एंजॉय किया, देखने में भी अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा। और आप लोग बताइए कि ये जो आठों थे मींस फोर नॉर्थ इंडियन फूड, फोर साउथ इंडियन फूड, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा था, आपका फेवरेट कौन सा है? इन जनरल यू कैन कमेंट आई लव साउथ इंडियन और फूड, आई लव साउथ इंडियन फूड और आई लव नॉर्थ इंडियन फूड, एंड आप हैशटैग छोले कुलचे, छोले छोले भटूरे, जलेबी एंड चाट एंड मैसूर पाक एंड मैसूर पाक एंड जलेबी, आप लोग ये सब कमेंट कर सकते हैं, वी विल गेट टू नो कि हमारे ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद है। लाइक आपको हमारे बारे में काफी कुछ पता है, तो हमें भी तो आपके बारे में पता होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा थोड़ी चलता है, तो दिन क्या नहीं चलता, वो थोड़ी छुपाते हैं हमसे, हाँ तो बताओ तो सही, हाँ मैंने कहा बोला छुपा रही, हाँ तो बताइए ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है, ताकि अगर हम लोग अभी मीट एंड ग्रीट करें और हमें पता तो हो कि हम लोग आपके लिए क्या लेके आए, ये बात सही है, आपको नॉर्थ इंडियन पसंद है कि साउथ इंडियन, हम लोग वो वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो अभी होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बहुत मेहनत की आज हमने, हां प्लीज आज हमने बहुत मेहनत की, इतने सारे फूड्स लाने के चक्कर में हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, हां काफी कुछ, हम लोग बहुत मम्मी को परेशान कर लाइक ये हमारा चैनल है, मम्मी बहुत ज्यादा परेशान होती है, सो ये हम ये फैमिली मिश्रा फैमिली चैनल है हमारा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपको पता चले, एंड डोंट फॉरगेट वी पोस्ट वीडियो एवरी ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे, तब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, नमस्ते।